आज का अपना टॉपिक है सिस्टम। सिस्टम जब बहुत सारे अंग समूहित होकर मिलकर कार्य करते हैं, एक विशेष क्रिया एक तरह का कार्य करते हैं, तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। जैसे श्वसन संस्थान में अनेक अंग होते हैं, पाचन संस्थान में अनेक अंग होते हैं, जब ये मिलके काम करते हैं तो इसको अपन सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम कई तरह के होते हैं, जिसमें पहला पढ़े हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जिसमें बाल, त्वचा, नाखून, स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड, पसीने की ग्रंथियां और तेल ग्रंथि के बारे में पढ़े हैं। तापमान का नियंत्रित करने का काम, इसमें सेंसरी रिसेप्टर भी होते हैं संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि त्वचा पढ़ोगे तो संवेदना तो वहाँ पर होगी ही। अस्थि संस्थान के अंतर्गत अस्थियों को पढ़ेंगे, हमारे शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। इसके अलावा कार्टिलेज, कार्टिलेज जो होता है नर्म होता है, अस्थि जो होती है कठोर होती है। इसके अलावा पेशी संस्थान, मांसपेशियों के बारे में भी पढ़ेंगे। मांसपेशियां जो होती हैं हमारी अस्थि के चारों तरफ होती हैं, अस्थि को वो मजबूती प्रदान करती हैं, और मेन जो उनका काम है मूवमेंट। तो हमारी अस्थि जो मूव करती है वो मसल्स के द्वारा मूव करती है, और आदेश कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। जब तक हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन जब तक आदेश नहीं करेगा तब तक हम कोई कार्य को कर नहीं पाएंगे। इसके बाद हमारा चौथा सिस्टम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इसको भी हम डिवीज़न में बांटते हैं। नर्वस सिस्टम को अपन डिवीज़न में बांट के पढ़ते हैं, तो इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये पढ़ेंगे। सेंट्रल के अंतर्गत अपन ब्रेन की फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये सब पढ़ लेंगे। और पेरिफेरल मतलब हाथ पैर में, तो हाथ पैर के लिए जैसे हाथों में सप्लाई हुई, पैरों में सप्लाई, तो इसके अंतर्गत अपन ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो 31 पेयर की जो नर्व है वो पढ़ लेंगे। और यहाँ क्रैनियल नर्व, मस्तिष्क से निकलेगी जो ब्रेन से जो अपने क्रैनियल नर्व निकलेगी 12 जोड़ी, उसको पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी नर्व की बात हुई, 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व और 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व। 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व मस्तिष्क से निकलेगी, स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी, ये पढ़ेंगे। और स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ेंगे। तो इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है ऑटो, ऑटो मतलब स्वतः, जो स्वयं से चलता है, अपनी इच्छा से चलता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो स्वयं से चलने वाला नर्वस सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हृदय, हृदय आपका धड़क रहा है, अपनी इच्छा से धड़क रहा है, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। रात में आप नींद लगा के सोते भी हो फिर भी हृदय आपका धड़कती रहता है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो स्वयं से होने वाली क्रियाएं होती हैं। इसके अलावा अगला जो सिस्टम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन अंतः धन स्त्रावी, अंतः यानी जो अंदर से स्त्रावण करती है, निकालने वाली, स्त्रावण मतलब निकालने वाली, और स्त्रावण कौन करता है, जो ग्रंथियाँ करती हैं, ग्लैंड्स करती हैं। स्त्रावण का काम ग्रंथियों का होता है, ये ग्रंथियां हार्मोन्स को निकालती हैं, और हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में मतलब ब्लड के रक्त के प्रवाह में बहकर अपने निर्धारित ऑर्गन तक जाता है और अपना कार्य करता है। और इसके बारे में पहले भी जान चुके हैं, जब इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियास से निकला था तो रक्त प्रवाह में जाने के बाद वो क्या कर रहा था, इंसुलिन का जो मुख्य कार्य होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी जो आप खाना खाते हो वो ग्लूकोज का रूप मतलब शक्कर का रूप लेती है, उस शक्कर की मात्रा शरीर में अधिक ना बढ़ जाए उसको नियंत्रित करने का काम इंसुलिन हार्मोन करता है। इसके अलावा आप और भी ग्रंथियों को पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, मस्तिष्क में अग्रभाग में होती है। इसके पश्चात थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि हमारे गले में सामने, थायराइड ग्लैंड ये 3 हार्मोन का सिक्रीशन करती है, T3, T4, TSH, इसके बारे में भी
आगे जानेंगे। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल एड धन रीनल किडनी से चिपकी हुई, एड मतलब चिपकी हुई, मतलब किडनी के सिर वाले भाग में, ऊपरी भाग में छोटी सी एक ग्रंथि होती है, इससे भी हार्मोन्स निकलते हैं। और पहले भी स्कूल के टाइम में पढ़ा जा चुका है कि संकट काल के समय में भागने में, डर के समय में लड़ने में मदद करता है एड्रिनलिन हार्मोन। तो एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, और भी चीज़ें पढ़ेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, गोनेडोकॉर्टिकॉइड, ये हम आगे जानेंगे। इसके अलावा पेंक्रियास का भी आपको बताया जा चुका है कि इंसुलिन बनता कहाँ है, लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाएं, इंग्लिश में बोलेंगे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, मतलब पेंक्रियास के अंदर जो कोशिकाएं हैं ना, उनका जो गुच्छा है ना, उसका द्वीप समूह, मतलब वो एक तरह से चारों तरफ से बसी ही महा, जैसे अपन कहते हैं साधारण भाषा में कि उस स्थान पर स्थित हैं, तो ये कोशिकाएं वहां पर रहती हैं और इनका काम ही इंसुलिन हार्मोन को बनाने का। अगर इंसुलिन हार्मोन बनना कम हो जाएगा, ठीक से नहीं बनेगा, तो शक्कर की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लगेगी, और शक्कर की मात्रा बढ़ेगी तो उस बीमारी को बोलेंगे मधुमेह की बीमारी। मधुमेह की बीमारी मतलब डायबिटीज मेलाइटस। इसके अलावा हम टेस्टिस ओवरी इनके बारे में पढ़ेंगे, ये भी ग्लैंड्स होती हैं, टेस्टिस स्पर्म बनाने का काम करती है और ओवरी ओवम बनाने का काम करती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम अगला हमारा सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब रक्त परिसंचरण, मतलब ये क्या करता है कि रक्त को पूरे शरीर में वितरित करने का कार्य है ना। तो इसका मुख्य अंग हुआ हृदय। जब हमारा हृदय पंप करता है तो हमारे पूरे शरीर में रक्त का सप्लाई होता है। इसके अलावा हमें रक्त वाहिकाएं होती हैं, वो मदद करती हैं। हृदय का काम है पंपिंग का, लेकिन ले जाने का काम कौन करता है, रक्त की वाहिकाएं, मतलब हार्ट, हृदय, आर्टरी, धमनी और वेन यानी सिरा, ये सब मिलके जब एक पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैली हुई हैं और प्रत्येक अंग में, प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक ऊतकों में, सब जहां हमारी रक्त की सप्लाई है। इसके अलावा बारीक स्थानों में बारीक बारीक छोटी छोटी बाल बराबर संरचनाएं जिनको केशिकाएं कहा जाता है, वो भी सहायक होती हैं त्वचा के नीचे, जैसे केशिकाएं ब्लड पहुंचाने का कार्य करती हैं छोटी जगहों पे। रक्त में हमारे ऑक्सीजन घुला होता है और ऑक्सीजन हम श्वसन के द्वारा जो फेफड़ों से ग्रहण करते हैं वो रक्त के द्वारा आता है। आर्टरी, वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन घुला होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं घुला होता है। अगला हमारा सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ क्या है, रक्त का तरल पदार्थ, छना हुआ पदार्थ, रक्त से छना हुआ पदार्थ होता है लिम्फ। जब हमारा हृदय पंप करता है, राइट एट्रियम वाले पार्ट में जब पंपिंग की क्रिया होती है तो तेजी से प्रेशर, बैकवर्ड प्रेशर, उल्टा प्रेशर, जनरली क्या होता है राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, लेकिन पंपिंग इतनी तेज होती है कि बैकवर्ड प्रेशर, उल्टा दबाव, जिसकी वजह से सब क्लेवियन वेन तक पूरा पंपिंग के कारण ब्लड तेजी से निकलता है और इस जहाँ पे एक चैनल होता है, एक यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से रक्त छन के सीधे थायमस ग्रंथि में जाकर जमा हो जाता है। इसके बारे में आगे आपको बताएंगे, पहले भी बताए हैं। इसके अलावा लिम्फेटिक ऑर्गन के अंतर्गत अपन स्प्लीन पढ़ेंगे, लिम्फ नोड जानेंगे। लिम्फ नोड क्या होती हैं, गांठ होती है छोटी छोटी, जैसे सर्दियों के टाइम में इस सीजन में आप देखोगे कान के पीछे यहाँ, गर्दन में यहाँ गिल्टी निकल जाती हैं, वही लिम्फ नोड है जिसमें आप पट्टी लगाते हो किराना दुकान में, जो बेलाडोना की पट्टी मिल जाती है वो आप लगा लेते हो यहाँ पर, बहुत से लोग अभी सीजन में आपको दिख जाएंगे इस ठंड के सीजन में। तो ये लिम्फ नोड्स होती हैं, लिम्फ की वेसल्स होती हैं, जिस तरह से
ब्लड वेसल होती हैं, रक्त को पहुंचाने वाली, उसी तरह लिम्फ को पहुंचाने वाली भी छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं। तो इस तरह से हम लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फ जो होता है हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का कार्य करता है। इम्यूनिटी पावर क्या होती है? शरीर में जो लड़ने की क्षमता होती है, जैसे अभी ठंड आ रही है, आपके शरीर में क्या हो रहा है, वेदर जब चेंज होएगा तो थोड़ा ना थोड़ा उस चीज़ का इफेक्ट होएगा, तो आपका जो लिम्फ होएगा वो आपके WBC को लेवल को मेंटेन करता है। लिम्फ के अंदर WBC होता है। इसके बाद होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन संस्थान के बारे में पूरा ट्रैक्ट बताया गया है, नोज से लेकर एल्वियोलाई तक हमारा मुख्य ऑर्गन है श्वसन संस्थान का फेफड़े। संख्या में दो होते हैं, नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, लंग्स, और लंग्स के चारों तरफ जो झिल्ली कवर करके रखती है उसको हम बोलते हैं प्लूरा झिल्ली। लंग्स के चारों तरफ झिल्ली होती है जो सुरक्षा करने का कार्य करती है, जो उसको चोट से बचा रही है, इन्फ्लामेशन होने से रोक रही है, तो ये झिल्ली प्लूरा झिल्ली कहलाती है। हमारे लंग्स के चारों तरफ कवर करती हैं हमारी पसलियाँ, पसलियों को हम कोस्टल कहते हैं, और दोनों पसलियों के बीच का स्थान कहलाता है इंटरकोस्टल। इंटर यानी बीच में, कोस्टल यानी पसली, और इन दोनों पसलियों के बीच में ये जो 12 पसली होती है इनके मध्य में मसल्स भी पाई जाती हैं जो सांस लेने में हमारी मुख्य भूमिका निभाती हैं। एक मसल्स बाहर तरफ से काम कर रही हैं, एक मसल अंदर तरफ से काम कर रही हैं। तो बाहर वाली को एक्सटर्नल कहते हैं, अंदर वाली को इंटरनल कहते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, बाह्य मसल, अंदरूनी मसल। तो ये मसल श्वसन संस्थान में जब मसल्स पढ़ोगे तो ये आपको पेपर में भी लिखना पड़ेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। लेकिन सांस लेने में हमारी मुख्य मसल जो होती है उसके बारे में नहीं लिखोगे तो टॉपिक पूरा सही होगा ही नहीं। इसकी मुख्य मसल है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होती है? एक मसल से डोम आकार की, डमरू के आकार की एक मसल है जो हमारे थोरेसिक कैविटी मतलब हमारे छाती, थोरेसिक मतलब थोरेक्स छाती, और एब्डोमिनल कैविटी यानी हमारे पेट के अंग, पेट, छाती और पेट के बीच की एक मसल्स दीवार उत्पन्न करती है, एक दीवार की भांति कार्य कर रही है, दो भागों में बांट रही है आपकी छाती और पेट को, दो भागों में ये मसल बांटती है, तो उसको अपन कहते हैं डायफ्राम। तो इस तरह से हम श्वसन संस्थान पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाचन का सिस्टम। पाचन का क्या मतलब होता है? भोज्य पदार्थ जब जटिल जटिल पदार्थ के रूप में रहता है और उसको हम छोटे छोटे टुकड़े में मत के उसको पाचन के योग्य मतलब उसको पूरी तरह से उसको छोटे सरल बारीक पदार्थों में कर देते हैं, तो ये एक पाचन की क्रिया है। इसमें हमारे बहुत सारे अंग काम करते हैं। हमारी शुरुआत कहाँ से हो जाती है? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में माउथ पढ़ेंगे, टीथ पढ़ेंगे, टंग पढ़ेंगे, मुंह के अंदर सेलाइवरी, सेलाइवा, सेलाइवरी एमाइलेज, टाइलिन एंजाइम, ये सब पढ़ेंगे। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में चबाओगे, फिर उसके बाद ईसोफेगस से उसको ग्रहण करोगे। ईसोफेगस को हिंदी में क्या कहते हैं? आहार नाल, ग्रास नली। तो ग्रास नली जब भोजन को ग्रहण करेंगे आमाशय में भोजन जाएगा। कल भी बताया गया था कि BER की क्रिया होती है, बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम, मस्तिष्क के आदेश से ही सब कुछ होता है। जब आमाशय से भोजन निकलेगा तो छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में क्या होता है, यहाँ पर पित्त रस और अग्नाशय रस आके मिलेंगे, पाचन की क्रिया आगे बढ़ेगी, छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में जाएगा। छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है, विलाई होती है, तो यहाँ पर भोज्य पदार्थ में जो पोषक तत्व हैं वो ग्रहण करें जाएंगे, और जब बड़ी आंत में भोजन जाएगा तो पानी का एब्जॉर्प्शन और यहाँ पे थोड़ा सा तेज हो जाएगा। 7 भागों में बड़ी आंत को पढ़ते हैं, और लास्ट के जो भाग होते हैं रेक्टम, जब मल के रूप में भोजन जो है पूरा मल के रूप में यहाँ पर आके जमा होता है रेक्टम में, और रेक्टम में जब जमा होता है समय समय पर इच्छा अनुसार इसको मल द्वार के द्वारा, एनस के द्वारा इसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे, और इसके अंतर्गत हम स्टमक पढ़े,
लीवर पढ़ेंगे सहायक ऑर्गन के रूप में, पैंक्रियास पढ़ेंगे लीवर से, पित्तरस का जो बन रहे हैं लीवर से आके सीधे आपके डियोडेनम के एम्पुला ऑफ बेटर छिद्र के माध्यम से ये आए तो छोटी आंत में आए, और हम पढ़ेंगे पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस जो आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लीवर में हम एक ऑर्गन और पढ़ेंगे जिसका नाम है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर का मतलब होता है पित्ताशय। लीवर के नीचे पित्ताशय नाम का एक अंग पाया जाता है जहाँ पर पित्त आके जमा होता है। तो ये पित्त जो होता है समय समय पर ये डियोडेनम के में आकर ये खुलता है, और जिस छिद्र में खुलता है उसको एम्पुला ऑफ बेटर कहते हैं। अगला हमारा संस्थान है यूरिनरी सिस्टम। ये बात सभी जानते हैं कि जब हृदय पंप करता है तो पंप करने के बाद एओल्टा यानी महाधमनी हमारे शरीर से शुद्ध रक्त को सप्लाई करने के लिए रक्त को लेके जाती है। तो जब रक्त को लेके जाती है तो किडनी में रक्त पहुंचता है। किडनी में रक्त दोनों तरफ की किडनी में पहुंचता है, किस शाखा के द्वारा? रीनल आर्टरी के द्वारा। रीनल आर्टरी के द्वारा जब वो किडनी के अंदर रक्त जाता है तो वो छन्नी के लिए जाता है। नेफ्रॉन का फंक्शन पहले भी पढ़ा जा चुका है कि नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस के अंदर एफरेंट आर्टेरियोल वगैरह ये सब आती हैं, छोटी छोटी शाखाएँ, तो ये छानने की क्रिया करती हैं। तो फाइनली क्या होता है, रक्त से छान के इसको यूरिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब रक्त में जो पानी वाला पार्ट है वो छन के यूरिन बन जाता है। इस क्रिया में हमारे शरीर के जो बेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, उनको भी छान दिया जाता है। और जब किडनी छानती है तो यूरिन किडनी में किस स्थान पे स्टोर होता है, तो उसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से नीचे उतर के यूरिनरी ब्लैडर में आता है यूरिन। किस रास्ते से उतरता है, तो इनके बीच में यूरेटर होता है। यूरेटर को मूत्र वाहिका कहते हैं। तो किडनी, किडनी से छन्ने की क्रिया हुई तो रीनल पेल्विस से यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में यूरिन को स्टोर कर लिया जाता है। और समय समय पर जब ब्लैडर थोड़ा भरता है, मूत्र त्याग करने के लिए जो एहसास होता है ब्लैडर को, तो मूत्र को समय समय पर त्याग कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत हम यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत अपन चार चीज़ें पढ़ेंगे। पहली किडनी, दूसरी पढ़ेंगे यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, यूरेटर, ये चार चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ब्लैडर के चारों तरफ भी मसल्स होती हैं, और स्पिंचर मसल्स के बारे में भी इसमें हम पढ़ेंगे। स्पिंचर मसल वो होती है जो काफ़ी देर तक क्या करती है, ओपनिंग को बंद करके रखने का कार्य करती है। और लास्ट सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक जीव अपने समान दूसरे जीव की उत्पत्ति करता है, इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्पर्म की उत्पत्ति, ओवम की उत्पत्ति, और इसके जो ऑर्गन पढ़ेंगे टेस्टिस और ओवरी, है ना, ये ग्लैंड्स हो गई। और ऑर्गन्स की बात करते हैं तो गर्भाशय, यूट्रस, सर्विक्स, विजाइना, है ना, योनि और सर्विक्स। इसके अलावा टेस्टिस और प्रोस्टेट ग्रंथि, इसके अलावा पेनिस, ये अपन स्ट्रक्चर के बारे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारे ये सिस्टम कंप्लीट होते हैं।